कि जो लोग लैंडलेस लोग हैं उनको पट्टा नहीं दिया जा रहा है और जो लोग जिनके पास ऑलरेडी लैंड है उनको वो पट्टा दे दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना का भी बहुत बड़ा स्कैम मझवा विधानसभा में हो रहा है। समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है कि वो मझवा को अपने कब्जे में करे? मनरेगा एक बहुत बड़ा घोटाला बन करके सामने आ रहा है। इन लोगों ने 50% आरक्षण व्यवस्था को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। अगर पीडीए समाज के लोग इकट्ठा हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, तो वर्तमान सरकार की सभी समस्याओं से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। नमस्कार, उत्तर प्रदेश विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। अगर चुनाव आयोग ने तारीख न बदली होती तो 13 तारीख को यह चुनाव संपन्न हो गया होता, लेकिन चुनाव आयोग ने कुछ चीजों को देखकर संभवतः यह कि पीडीए के लोग छठ में और दीपावली में अपने गांव आए थे, अगर वे अपने गांव में ही रह जाएंगे और 13 नवंबर को चुनाव हो जाएगा तो शायद पीडीए जीतने लगेगा एक तरफा, इसलिए उन्होंने उसको टाल दिया एक हफ्ते में ताकि लोग ऊब कर अपने अपने कामों पर लौट जाएं तो उनके वोट पीडीए को न मिले। लेकिन ऐसा लगता है कि जनता अभी चुनाव में दिलचस्पी लेने लगी है। बहुत सारे लोग चुनाव क्षेत्रों में गए हैं, लौट रहे हैं, फिर जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जो अधिवक्ता सभा है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पाल भी मझवा विधानसभा का एक दौरा करके लौटे हैं और हमें आश्चर्य हो रहा है कि वे इतनी जल्दी क्यों लौट आए और फिर अपने चुनाव क्षेत्र में कब जाएंगे। लेकिन उनसे ये बात करना जरूरी है कि मझवा विधानसभा की समस्याओं को, मझवा विधानसभा की चुनौतियों को और पीडीए का जो पूरा अवधारणा उसकी है उसको किस रूप में इस चुनाव में वहां देख रहे हैं कि सफल होगा। के पाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मझवा विधानसभा से जाकर फिर क्यों लौट आए हैं लखनऊ? देखिए, सबसे पहले मैं आपका गांव के लोग के एडिटर आदेश राम जी यादव जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो है मझवा विधानसभा के लिए समस्याओं को समझने के लिए आज हमें जो है यहां पर आमंत्रित किया है अपनी चैनल के माध्यम से। आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैं समाजवादी अधिवक्ता सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और माननीय आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर मझवा विधानसभा की विशेष जिम्मेदारी मुझको सौंपी गई है कि वहां की जो ग्राउंड रियलिटीज क्या क्या है, वहां की समस्याएं क्या क्या हैं और कानूनी समस्याओं के अलावा जो वहां मेनली पीडीए समाज के लोग हैं उनकी समस्याएं क्या क्या हैं। तो जो मझवा विधानसभा की जब मैंने वहां पर गांव का जो है ग्रॉस रूट लेवल पर जब दौरा किया है तो मुझे ये ज्ञान हुआ है कि वहां पर जो बाहुल्य जो समाज है वो बिन समाज है और बिन समाज की जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रॉब्लम है वहां पर ये है कि उनकी जमीनों जो आबादी की जमीन है, आबादी की जमीन का बंटवारा और जो पट्टा मिलना चाहिए जो जो सबसे बड़े हकदार हैं वो बिन समाज के और जो लैंडलेस लोग और अन्य पिछड़ी जातियों के लोग हैं। हकीकत में वहां पर बिन समाज को और अन्य समाज को पट्टा नहीं मिल रहा है, बल्कि उन लोगों को पट्टा घोटाला करके एक बहुत बड़ा स्कैम है, कानूनी स्कैम और सामाजिक अपराध भी कहेंगे, कि जो लोग लैंडलेस लोग हैं उनको पट्टा नहीं दिया जा रहा है और जो लोग जिनके पास ऑलरेडी लैंड है उनको वो पट्टा दे दिया जा रहा है और सरकारी आंकड़ों में गलत सलत जो है वहां पर आंकड़े पेश किए जा रहे हैं जिससे वहां पर बिंद समाज में बहुत ही और जो भी अन्य जातियों पिछड़ी जातियां हैं जिनमें हमारा पाल समाज भी है जिसकी आबादी लगभग वहां पर जो है 30 से 35 हजार है, ये सभी लोगों में अन्य पिछड़ी जातियां जो 3730 जातियां हम लोग बताते हैं अन्य पिछड़ी जातियों में है, उनमें बहुत गंभीर आक्रोश है इस समय वर्तमान सरकार को लेकर के कि वो लोगों की रोजी रोटी के जो मसले हैं, जो लैंड का जो बुनियादी मुद्दा है, क्योंकि भूमिहीन किसान के पास अगर थोड़ी बहुत भूमि हो जाएगी तो वो एक आवास उसको मिल सकता है, पट्टा मिल जाए तो वो खेती कर सकता है और अपनी आजीविका चला सकता है। लेकिन वर्तमान सरकार आजादी के 75 वर्ष के बीत जाने के बाद भी जो ये समाज है वहां पूरी तरीके से अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है और वहां पर यही नहीं,
मुझे ये भी वहां पर जानकारी हुई, तमाम जो ग्राउंड पर लोग काम कर रहे हैं हमारे और लोग जो है उसके माध्यम से, और सीधे जो भिन्न समाज के लोग वहां पर जिनसे मैं मिला हूं, वहां मिलने का काम किया मैंने, और सीधे जब उन लोगों से, गांव के गरीब लोगों से जब मेरी मुलाकात हुई है, उन्होंने सीधा बताया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का भी बहुत बड़ा स्कैम मझवा विधानसभा में हो रहा है। जो लोग आवास के पात्र नहीं है उनको आवास दिया जा रहा है, और जिनकी पात्रता है उनको आवास नहीं मिल रहा। उसी के साथ साथ वहां पर जो सबसे बड़ी जो समस्या आई है वो आवास के साथ साथ शौचालय, जो एक बहुत केंद्र सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है, शौचालय भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। जिन लोगों को ऑलरेडी शौचालय मिले हुए हैं उन्हीं को शौचालय फिर से दिया जा रहा है, और जो शौचालय जिन लोगों के पास नहीं है उनको शौचालय नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज मैं आपको एडिटर साहब ये बताना चाहता हूं कि मेरी अपनी पार्टी के प्रति जिम्मेदारी होते हुए साथ साथ मेरी अपनी वर्तमान पेशे के साथ भी मेरी अपनी जिम्मेदारी है, और मैं अधिवक्ता सभा का अध्यक्ष हूँ, और अधिवक्ता होने के नाते मेरी अपने क्लाइंट्स के लिए भी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं अपने दोनों रोल को बखूबी निभा रहा हूँ। किसी को भी मैं डिससैटिस्फाइड, चाहे समाजवादी पार्टी हो, इसका राष्ट्रीय, इसके राष्ट्रीय नेतृत्व हो, या अपनी जो अदालत में जो मेरे अपने क्लाइंट्स, इनके प्रति भी मेरी अपनी जो है जिम्मेदारियां हैं, तो दोनों जिम्मेदारियों को मैं निभा रहा हूँ, जिसमें मेरा कहीं से भी कोई भी असंतुष्ट न रहे, ये मेरी वर्तमान नैतिक जिम्मेदारी है। और मझवा विधानसभा में जो सबसे बड़ी जो बात आ रही है कि वहां के लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग आपस में बहुत ही हारमोनियस तरीके से रहते थे, बहुत ही आपस में पिछड़ी जातियों के बीच बहुत सामाजिक जो है सौहार्द था, लेकिन वर्तमान सरकार पूरी तरीके से ये जो पीडीए समाज, जो हमारे आदरणीय माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने एक नारा दिया है पीडीए का, ये पूरी तरीके से संवैधानिक शब्द का उन्होंने इजाद किया है, क्योंकि वो एक एजुकेशनली वो जो है इंजीनियर है, और उनका एजुकेशन जो है बीटेक जो है उन्होंने किया हुआ है, और इंजीनियर वो हैं, और उन्होंने अपने पूरी तरीके से पीडीए जो समाज की जो संरचना, एक नया नाम उन्होंने इजाद किया है, जिसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, आदिवासी, और जो अगड़ी जातियों के भी जो उत्पीड़ित वर्ग है, उस सभी लोगों को इसमें समेटने का उन्होंने काम किया है, और संविधान में सभी को बराबर अधिकार मिले हुए हैं, चाहे वो जीवन का अधिकार हो, आर्टिकल 21 हो, चाहे आर्टिकल 14 हो, चाहे जो इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करते हो। लेकिन आज मझवा विधानसभा के जब दौरा करने के बाद मुझे ये ज्ञान हुआ है, वहां पर ग्राउंड रियलिटीज पर ये ज्ञान हुआ है कि वर्तमान सरकार बिंद समाज के साथ पूरी तरीके से अन्याय कर रही है। उसको जो मुख्य, उसका जो रोजगार बन सकता था, जो पट्टा अगर उसको जमीन दे देती अगर वो, तो उनके पास एक रोजगार का साधन हो जाता। लेकिन मुझे ये भी सुनने में आया है कि ये पूरी तरीके से एक बहुत बड़ा घोटाला होने हो रहा है, और समाजवादी अधिवक्ता सभा ये एक संकल्प लेती है कि बिंद समाज को अदालत के माध्यम से भी, और वर्तमान अपने जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को हम लोग ये पूरा डेटा है ये उपलब्ध कराएंगे, और इसको विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो न्यायालय में भी इस मामले को हम लोग उठाने का काम करेंगे। ये बताइए मुझे कि पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, और अभी उपचुनाव में ये कहा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वह 9 की 9 सीटें जीत रही है, तो अब समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है कि वो मझवा को अपने कब्जे में करे? देखिए, मैं आपको अवगत करा दूं कि जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था वो एक उस दौर में वो चुनाव हुआ था जब सभी लोगों का संवैधानिक व्यवस्था से पूरी तरीके से विश्वास करीब करीब उठ चुका था। उस दौर में जब हम लोगों ने 80 की 80 लोकसभा का दौरा किया था, और तब हम लोगों ने पाया था कि भारतीय जनता पार्टी जीत कहां से रही है, ये एक बहुत बड़ा हम लोगों के सामने यक्ष प्रश्न उस समय उठा था कि आखिर इस 80 लोकसभा में पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से जीत रहा था। लेकिन हारने का एकमात्र, कुछ सीटों पर जो हम लोग हारे हैं उसका एकमात्र, मैं उस पर कहीं कहने में मुझे कोई भी जो है हिचक नहीं है कि
कि हम लोग हारे हैं प्रशासनिक दबाव के कारण। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसने अपनी भूमिका को पूरी तरीके से जो ऑनेस्टली जो निभाना चाहिए था वो नहीं निभाया था और कहीं ना कहीं मशीन का दुरुपयोग जरूर हो रहा है एज ए अधिवक्ता एज एडवोकेट। क्योंकि इस मामले में मैं ईवीएम के बारे में एक आपको जानकारी देना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से जो सुन रहे हैं दर्शक हैं उनको भी देना चाहता हूं कि ईवीएम जर्मनी में सन 2008 में चुनाव हुआ था। ईवीएम से जो पार्टी चुनाव में हारी थी उसने वहां की हाईकोर्ट में जो है वहां मुकदमा फाइल किया, वहां के जो है हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि मशीन से ईवीएम से चुनाव ना करा करके बैलेट बॉक्स से चुनाव कराया जाए। चुनाव कराने के बाद बैलेट बॉक्स से चुनाव हुआ, जो पार्टी हारी थी वही पार्टी हार गई, जो पार्टी जीती थी फिर से वही पार्टी जीत गई। लेकिन फिर भी वहां की कोर्ट ने और वहां के प्रशासन और शासन ने निर्णय लिया कि ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। लेकिन हमारा देश आज सभी लोग जनता का विश्वास ईवीएम से उठ चुका है, सभी लोगों का भरोसा उठ चुका है। लेकिन वर्तमान सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया का जो फ्रेम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की शुरुआत जहां से होती है कि हम भारत के लोग हम निर्णय लेंगे कि इस देश का शासन और प्रशासन कैसे चलेगा, व्यवस्था कैसे चलेगी। लेकिन उसके बावजूद ईवीएम के माध्यम से चुनाव करा करके लोकतंत्र की हत्या की जा रही। एक बड़ा सवाल रोजगार का है जो कि लगभग हर शहर में हर जनपद में हर कस्बे में हर गांव में खड़ा हो रहा है और बहुत बड़ा सवाल है, खास तौर से असंगठित क्षेत्र में। असंगठित क्षेत्र में जो मजदूर हैं उनको काम नहीं मिल रहा है और वे काम मांग रहे हैं और मनरेगा तक का काम मशीनों से हो रहा है। कई गांवों में हम जब जाते हैं देखते हैं तो ये बात पाते हैं कि मनरेगा का जो पैसा है जो मजदूरों को मजदूरी के रूप में मिलना चाहिए वो ठेकेदार और प्रधान और रोजगार सेवक जैसे और तमाम प्रशासनिक जो उसके अमले हैं उनके चक्रव्यूह में फंस कर जो है चला जाता है कहीं और। तो इसको कैसे आप एक सवाल बनाएंगे, क्योंकि लाइवलीहुड से जुड़ा हुआ सवाल है, ये आजीविका से जुड़ा हुआ सवाल है। लोग रोटी नहीं, लोग कहते हैं कि हमको मुफ्त अनाज नहीं बल्कि हमको रोजगार चाहिए, यह सवाल कैसे आप महसूस करते हैं कि इसको एड्रेस आप कर पाएंगे? देखिए, हम लोग अपने समाजवादी अधिवक्ता सभा का जो ग्रामीण स्तर पे जो हम लोगों का संगठन है, जनपद स्तर और तहसील स्तर पर संगठन है, हम लोग एक डेटा संकलित करने का काम कर रहे हैं कि वहां पर जो सरकार की जो हम लोग को मालूम है कि सरकार ने एक न्यूनतम मजदूरी जो है बना रखी है कि न्यूनतम मजदूरी क्या होनी चाहिए। हम लोगों को ग्राउंड रियलिटीज पर जब जाते हैं तो हम लोगों को ये जानकारी प्राप्त होती है कि मनरेगा एक बहुत बड़ा घोटाला बनकर के सामने आ रहा है। लोगों को जो है मजदूरी जो है जो न्यूनतम मजदूरी है वो नहीं मिल रही है और असंगठित क्षेत्र का मजदूर जिसमें ज्यादातर जो शिकार हो रहा है वो पीडीए वर्ग का है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सबसे बड़ा शिकार अगर इस घोटाले का कोई हो रहा है तो गरीबी देखिए आजादी के 75 वर्षों के बाद भी। रोजगार के क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो जब बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो है तो एक आरक्षण व्यवस्था लागू की थी जिसको उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने सन 1994 में 27% पिछड़ी जातियों को, 21% अनुसूचित जाति को और 2% जो अनुसूचित जनजाति को जो 50% आरक्षण देने का काम जो उन्होंने किया था उसको वर्तमान सरकार सन 2017 से और 2024 में जब आप समीक्षा करेंगे और कम से कम एक दर्जन मुकदमे हम लोग के हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं जिसमें पूरी तरीके से आरक्षण व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया। इन लोगों ने 50% आरक्षण व्यवस्था को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। जहां तक आपका मूल प्रश्न है असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की जो बात आप कर रहे हैं उनको हम लोग एकत्र करने का काम करेंगे, उनके अंदर संवैधानिक जागरूकता लाने का काम करेंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का स्पष्ट निर्देश है कि अगर आवश्यकता पड़े तो हम लोग उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जो भी और न्यायालय जो लेबर कोर्ट्स हैं उनके माध्यम से उन मजदूरों को हम लोग न्याय दिलाने का काम करेंगे। जैसे फर्जी मुकदमों का भी एक मामला है, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने कुछ किया नहीं है लेकिन उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगे हुए हैं कई कई संगीन धाराओं में। तो अब आप बड़ी पार्टी के अधिवक्ता सभा के आप माने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
जो उत्तर प्रदेश में बहुत बदलाव ला सकती है, तमाम सारी चीजें कर सकती है, लेकिन जमीन पर आप क्या कर पाएंगे उनके लिए, उनके बचाव के लिए जिनको फर्जी मुकदमों में फंसा दिया गया है? देखिए, ये एक बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है, केवल जरूरत है संकल्प की। और समाजवादी अधिवक्ता सभा का जब से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूं, हम लोग लगातार राजस्व के मामलों का, क्योंकि हमारी सरकार 2012 से 17 तक हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार थी समाजवादी पार्टी की, सबसे बड़ा जो राजस्व अधिनियम में जो अमेंडमेंट आया था और जिसकी वजह से किसानों के और जमीनी विवाद को निपटारे के लिए जो माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो स्पष्ट रूप से कानून बनाए थे, अमेंडमेंट्स लाए थे राजस्व अधिनियम में, उसका बहुत ज्यादा लाभ जो है ग्राउंड लेवल पर मिला है। जहां तक बात रही कि जो फर्जी मुकदमे लग रहे हैं उसको एड्रेस करने के लिए हम लोग ग्रामीण अपनी तहसील लेवल की कमेटी को, जिले लेवल की कमेटी को, उनको एक डेटा एनालिसिस बनाने के लिए हम लोग ऑलरेडी जो है उनको निर्देशित कर दिया गया है कि आप लोग डेटा बनाइए और जहां से उनको न्याय मिल सकता हो, चाहे वो जनपद न्यायालय हो, हाई कोर्ट हो, जहां से भी उनको, और राजस्व अदालतें हो, जहां से भी उनको न्याय मिल सकता हो, उनको हम लोग न्याय और निःशुल्क न्याय उपलब्ध कराएंगे। ये हम लोग का समाजवादी अधिवक्ता का स्पष्ट संकल्प। एक और जो किसानों की समस्या है जिस पर कोई विचार नहीं हो रहा है, अभी मैं देखता हूं कि ब्लॉकों पर खाद लेने के लिए किसानों की लंबी लाइनें लग रही हैं और एक दिन दो दिन तक वो रहते हैं वहां, इंतजार करते हैं और बाद में पता लगता है कि खाद का स्टॉक खत्म हो गया। सरकार का दावा है कि वो खाद दे रही है और सरकार ने नीम कोटेड यूरिया का दावा किया था, वो भी एक तरह से बड़ा घोटाला साबित हुआ। उसके अलावा कुछ और दवाइयां भी साथ में वहां जबरन पकड़ा दी जाती है और उनका पैसा लिया जाता है। खाद का वजन कम हो गया, पैसा बराबर है। ये एक ऐसी समस्या है जो पूरे देश का किसान जिससे कि जूझ रहा है, लेकिन मझवा विधानसभा में चूंकि आप जा रहे हैं, गए और जा रहे हैं फिर से, तो मुझे लगता है कि इसको भी एड्रेस करने की जरूरत है। पीडीए की जो अवधारणा आप बता रहे हैं, उस पीडीए की अवधारणा में सारे किसान आते हैं, तो वो किसानों की इस समस्या और दूसरी चीज फर्जी बिजली के बिल भी उनके ऊपर लादे जा रहे हैं। इतना बेचारे का हार्ट अटैक हो जाए इस तरीके की हालत है, पता लगा कि दो बल्ब जला रहे हैं और 1.5 लाख बिजली का बिल आ गया, और फिर उसके लिए वो दौड़ भाग करके किसी तरीके से मामले को निस्तारण कराते, उनका 15,000 खर्च हो जाता है उसमें। ये लगातार समस्या बनी हुई है। ये आखिरी प्रश्न है कि इसको कैसे आप वो करेंगे, कैसे किस तरीके से इसको हल करना चाहिए? देखिए, आपको मैं स्पष्ट आपको इस बारे में अवगत कराना चाहता हूँ कि जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाले कौन लोग हैं। अगर कानून बना देने से समस्या का समाधान नहीं हो जाता, इस समस्या का समाधान केवल ये है कि पीडीए के लोगों के हाथ में सत्ता का जो कि बागडोर है वो आए। अगर समस्याएं पीडीए के लोगों की है और सत्ता की बागडोर गैर संवैधानिक लोगों के अगर हाथ में रहेगी, तो उनसे हम अपने संविधान का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा सकते। स्पष्ट रूप से हम लोगों का अपना मत है कि अगर पीडीए समाज के लोग इकट्ठा हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, तो वर्तमान सरकार की सभी समस्याओं से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। और पीडीए का एक ही निवारण का एक ही दवा है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बने उत्तर प्रदेश में, और वर्तमान में जो 9 उपचुनाव होने जा रहे हैं, एक टेक्निकली रोक दिया गया है मणिपुर का जो अयोध्या का जो विधानसभा, ये 10 की 10 आने वाले समय में उसका भी चुनाव होगा। मेरा दावा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी विधानसभा पर नहीं जीत रही है वर्तमान समय में। वो लोग बार बार एक डर फैला रहे हैं और बार बार हम लोगों को सुनने में आ रहा है कि लोगों को प्रशासनिक माध्यमों से डराया जा रहा है, लोगों के ऊपर फर्जी केस किए जा रहे हैं, फर्जी मुकदमों का उनके उनको धमकी दी जा रही है। और इसीलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे निर्देशित किया है कि ऐसे लोग, जो लोग प्रशासन के दबाव, जिनके ऊपर प्रशासन का दबाव बन रहा है, उनसे सीधे मिल करके उनकी समस्याओं को अदालत के माध्यम से निपटारा करा करके उनके अंदर ये आत्मविश्वास पैदा किया जाए कि आप पीडीए के साथ रहें, पीडीए को एकजुट करने का काम करें, वर्तमान सरकार की कोई भी तंत्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि यह अपीलिंग मुद्दा है, खासतौर से आबादी की जमीन का जो पट्टा है आवास के लिए,
वो बिंद समाज को नहीं मिल रहा है। बिंद समाज इस बात से बहुत दुखी है, मुझे लगता है कि आप कन्वे कर पाए और इसमें इस दिशा में समाजवादी पार्टी ने कोई काम कर दिया तो बहुत सारे ऐसे लोग जो अधर में लटके हुए हैं उनका भला होगा और लोग समाज में और ज्यादा जुड़ेंगे, सामाजिक ताना बाना और मजबूत होगा, क्योंकि सबसे वंचना के जो शिकार हैं वे वही लोग हैं। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, अब फिर बात करेंगे, नमस्कार।